प्रथम तहलका न्यूज। और रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि PGIMS में शुरू होगी कोविड स्पेशल ICU। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहां PGIMS में शुरू होगी कोविड स्पेशल ICU। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि PGIMS ने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है। आपको बता दें कि हेल्थ यूनिवर्सिटी VC डॉक्टर OP कालड़ा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि स्पेशल ICU की शुरुआत में 12 बेड की मिलेगी सुविधा और इसके साथ ही बाद में 24 बेड और 36 बेड की सुविधा मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि रोहतक में PGIMS में शुरू होगी कोविड स्पेशल ICU। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो रोहतक से आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर OP कालड़ा ने कोवैक्सीन के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन के प्रथम चरण के पंजीकरण का काम पूरा हो चुका है और वही 16 लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहां रोहतक में PGIMS में शुरू होगी कोविड स्पेशल ICU। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि हेल्थ यूनिवर्सिटी VC डॉक्टर OP कालड़ा ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि PGIMS ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है और स्पेशल ICU की शुरुआत में 12 बेड की सुविधा मिलेगी और इसके बाद 24 और 36 बेड की सुविधा दी जाएगी। और आपको बता दें कि PGIMS में शुरू होगी कोविड स्पेशल ICU। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। साथ ही डॉक्टर OP कालड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि कोवैक्सीन के प्रथम चरण के जो पंजीकरण का काम है वो पूरा हो चुका है और साथ ही 16 लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहां PGIMS में शुरू होगी कोविड स्पेशल ICU। और आपको बता दें कि डॉक्टर OP कालड़ा ने कोवैक्सीन के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन के प्रथम चरण के जो पंजीकरण का काम है वो पूरा हो चुका है और साथ ही 16 लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है। जो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो ICU के बेड्स की है, ताकि ICU के बेड्स की कमी ना हो। लेकिन जो प्रपोजल ये सरकार को दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि कोविड स्पेसिफिक ICU कि हम एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के अंदर जो मिनिमम एसेंशियल सामान लगा करके, जैसे मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं या वेंटिलेटर की संख्या है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ये सारा करके हम कैसे ICU शुरू कर सकते हैं कम से कम समय के अंदर, कम से कम खर्चे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा मरीजों का फायदा हो सके। इनका फेज 1 का ट्रायल देश भर में पूरा कर लिया गया है। जो पेशेंट्स को एनरोलमेंट की प्रक्रिया थी वो 375 पेशेंट्स को एनरोल किया गया है, जिसके अंदर PGIMS रोहतक के अंदर सबसे ज्यादा 81 वॉलंटियर्स को रिक्रूटमेंट किया गया है और उनमें से करीब 16 वॉलंटियर ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज भी दे दी गई है। और हमें उम्मीद है कि इनका जो सारे केसेस की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो अगले 5-6 दिन के अंदर।